तो दोस्तों लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर पीसी, कोई भी सिस्टम आपके पास है और उसमें विंडोज 11 का जो है सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, अगर विंडोज 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस पे कैसे आप स्पीड इंक्रीज कर सकते हो। सबसे पहले तो एक काम आपको करना है, सबसे पहले आपको सेटिंग ओपन कर लेना है। मैंने गलती से यहाँ पर कंट्रोल पैनल लिख दिया, तो सेटिंग ओपन कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे नेटवर्क एंड जो एक ऑप्शन है थर्ड पे देख सकते हो, नेटवर्क एंड इंटरनेट का जो है, यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद जिस भी कनेक्शन से आप जुड़े हुए हो, ठीक है, उसके प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो मीटर्ड कनेक्शन ऑन है, आपको ये ऑफ कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने पब्लिक किया है, उसको आपको पब्लिक करना है। अगर आपका प्राइवेट किया हुआ है तो पब्लिक कर देना है। इसके बाद आपको सर्च पे क्लिक करना है और यहाँ पर सर्च करना है एडिट पावर प्लान, ठीक है। और एडिट पावर प्लान को ओपन कर लेना है। ओपन करके यहाँ पर आप देख सकते हो मैक्सिमम, यहाँ पर एडवांस सेटिंग पे जाना है। एडवांस सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पर नेटवर्क एंड एडाप्टर सेटिंग एक ऑप्शन आपको मिल जाता है, आपको इसको कर देना है मैक्सिमाइज, ठीक है। यहाँ पर प्लस के बटन पे क्लिक करोगे ये जो है मैक्सिमाइज हो जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है देख सकते हो, यहाँ पर एक नेटवर्क एंड एडाप्टर का जो सेटिंग है आप यहाँ पर करोगे, ठीक है। वायरलेस एडाप्टर का एक सेटिंग है, इस पर क्लिक करोगे, प्लस पे क्लिक करोगे ओपन हो जाएगा। पावर सेटिंग इसका जो प्लस आइकन है, इस पर क्लिक करोगे ओपन हो जाएगा। ऑन बैटरी यहाँ पर आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस कर दिया ना, आपका डिफॉल्ट सेटिंग यहाँ पर मैक्सिमम परफॉर्मेंस नहीं रहेगा, आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस जो है कर देना है। उसके बाद अप्लाई कर देना है, उसके बाद ओके कर देना है। दोस्तों ऐसे ही ये दोनों चीज करके आप अपने नेटवर्क का जो इंटरनेट का स्पीड है बहुत हद तक बढ़ा सकते हो। वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना।